चलिए, अभी जैसे हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आई थिंक सबसे बड़ा आज के दिन का जो इम्पैक्ट है, जो झटका है, वो अभी फील होने वाला है, क्योंकि अब हम बढ़ेंगे हमारी ओल और ओवरऑल रैंकिंग्स की तरफ. एंड ओके, टीम सोलो मिड दे आर ऑन द टॉप विद 67 पॉइंट्स, क्योंकि उन लोगों ने एक चीज सबसे पहले कर ली कि फिनिशेस पहले निकाल लो, प्लेसमेंट पॉइंट हम बाद में निकाल लेंगे, वो आखिर में चिकन लेके सोचो, सोचो पहले चार गेम में 15 पॉइंट, फिर एक गेम में 15 पॉइंट प्लेसमेंट के नाम पे, काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर इन्होंने लाइक बैलेंस ऐसा बनाया, जो पहले चार गेम में किया प्लेसमेंट में वो आखिरी गेम में अकेले में कर दिया है, और पहले पायदान पर खुद को देख रहे हैं 67 पॉइंट्स, दैट्स ब्रिलियंट. एक्सो उनकी बात करी जाए, अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, उनके पास प्लेसमेंट पॉइंट्स अच्छे हैं, वो उनकी कंसिस्टेंसी दिखाता है, हालांकि फिनिश पॉइंट्स डिसेंट है, बट टीम सोलोमिड एक अलग लेवल पर जाती नजर आ रही है. रेवेनेंट काफी ज्यादा प्रभावित इस टीम ने भी किया है, 56 पॉइंट उनके पास अभी के लिए आ चुके हैं. स्काईलाइट्स वो भी यहाँ पर आती है, बट उसके बाद जो चार टीमें कुछ कंटेनर की तलाश है, वो कल ही हो पाएगा. क्या कोई बोलेगा कि टीम सोलोमिड एक गेम से आई है, तीन मैच स्टार्टिंग किए, दे वर ऑन द टॉप 10 एंड नोवेयर ऑन फॉर द कंटेंडरशिप ऑफ द टॉप पोजीशन, एंड वो लोग करके दिखाया, मैंने वही बोला बड़ा चिकन डिनर आएगा उनके एंड वो लोग सीधा टॉप पे जाएंगे. वो आर ईस्पोर्ट्स दे ऑन द 9th 10th पे टीम 8 पे जरूर स्लिप डाउन करी है विद दैट वन चिकन डिनर इन हैंड. कल ये लोग सोचेंगे कि थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में खेलना पड़ेगा, बट 11th पे गॉड लाइक ईस्पोर्ट्स, इनकी भी थोड़े ऊपर नजरें रखी जाएंगी कि किस तरीके से ये लोग खेलते हैं, बिकॉज दे कैन बी लीथल एट एनी गिवन डे, एंड एक ही दिन में ये लोग कमबैक ऐसा करते हैं कि बाकी टीम सोचती रह जाती है. दैट्स एक्चुअली करेक्ट.